बहुत बहुत स्वागत है सभी का अपने YouTube चैनल पे पढ़ाईकर में। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र BA थर्ड ईयर में है उसके लिए हम लेके आए हैं बेटा, यहाँ हिस्ट्री का सेकंड पेपर है और ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। वीर बहादुर, ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है जो आपकी जौनपुर में है, ठीक है, जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। तो उसके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। और कल पेपर है 13 अप्रैल को, 13/4/2022, मतलब कि 13 अप्रैल को आपका पेपर है, कल है पेपर, इसको याद रखना है, ठीक है। और 7:30 बजे से पेपर है, तो प्राचीन इतिहास और हिस्ट्री दोनों का पेपर है, लेकिन मैं केवल हिस्ट्री जो पेपर का नाम हो जाएगा याद रखना। यदि आपका पेपर का नाम यूरोप का इतिहास है तो आप यहां से क्वेश्चन को पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं देखना है, ठीक है, यहां से क्वेश्चनों को याद करके जाना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं पहला क्वेश्चन आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, अपना देखो यूरोप का इतिहास जो आपका पेपर का नाम हो जाएगा, तो यहां से मोस्ट मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन को जो रात भर में आपको पढ़ना है, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान करके जाना है। और इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लाएंगे यहां से, बड़े आराम से फंसेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप अच्छी तरीके से दिल से पढ़ाई करनी है आपको। और जैसे ही पेपर आपका हो जाता है, पेपर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7037 3278 और 38 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप फोटो खींचकर मुझे सेंड करेंगे ताकि मैं उसका रिव्यू करा कर सकूं, ठीक है। आप सभी लोग ध्यान से फोटो को तुरंत भेजा करो जो भी आपका पेपर हुआ करे। अब देखो पहला क्वेश्चन आपके, जर्मनी का एकीकरण के लिए एक उत्तरदायी परिस्थितियों के बारे में बताना है, मतलब कि आपको बोला गया है कि जो जर्मनी है उसका एकीकरण कैसे किया गया था, उसका उत्तरदायी परिस्थितियां जो थी क्या परिस्थिति, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसके द्वारा जर्मनी में एकीकरण हो गया था, समझ रहे हो, उसके बारे में आपको वर्णन कर देना है, इस बात को याद रखना। और ये जो आप देख रहे हैं ना हिटलर, हिटलर का उदय का कारण क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिटलर के बारे में 100 बार बनता है, याद रखना इस बात को, हिटलर के बारे में आप याद कर लेना। उसके बाद इटली के एकीकरण के बारे में, देखो जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध ये तो आते आते हर साल याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध को आप याद करेंगे बहुत ज्यादा होने का कारण क्या था, और जो रूस की क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति होने का कारण क्या था, उसका प्रभाव क्या पड़ा 1917 की जो रूस की क्रांति थी उसके बारे में, ठीक है। और हिटलर का विदेशी नीति के बारे में, हिटलर की जो विदेशी नीति थी इसके बारे में याद कर लेना। देखो आपने अब तक जो पढ़ा है बहुत बढ़िया है, मेरे हिसाब से आप जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, जो जो आपके वैसे पर नोट्स में मिल रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं हिटलर की विदेशी नीति के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, रूस की क्रांति के कारण क्या थे, इटली का क्या था, जर्मनी का एकीकरण क्या था, हिटलर का उदय होने का कारण क्या था, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये मोस्ट मोस्ट लगा रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को याद करके बहुत अच्छे नंबर ला सके, ओके। यहां जर्मनी के देखो, यहां बोला गया जर्मनी की, यहां बोला गया है जो नाजी सरकार थी उनके अंतर्गत इसको चले गया, जिनेवा का देखो जिनेवा प्रोटोकॉल के बारे में याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में हम जाएंगे पेरिस समझौता क्या था, पेरिस का समझौता के बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है। जापान का विकास, आधुनिक जापान का विकास, जापान का देखो यहां बोला गया है कि जापान का विकास विश्व शक्ति के रूप में हुआ है, टिप्पणी लिखी है, ये क्वेश्चन आपसे बनता है, विकास जन्म का देखो जापान का विकास यहां से, देखो द्वितीय युद्ध मैंने आपको ना, द्वितीय विश्व युद्ध की घटना क्या थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। शीत युद्ध किसे कहते हैं, शीत युद्ध किसे कहते हैं, इसको आप याद करके जाएंगे। उसके बाद में आता है फिनफार्ट संधि, इसको छोड़िए, गुट निरपेक्षता मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुट निरपेक्षता के बारे में बात करेंगे, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके सामने, ठीक है। हाँ, गुड निरपेक्षता के बारे में बात करें, कैंसर बिलियन चित्र इसके बारे में छोड़ दीजिए, समाजवाद देखो यह बोला गया है, साम्राज्यवाद और कह सकते हैं उपनिषेधवाद क्या है, इन दोनों में अंतर आपसे पूछ लेता है, इनको दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और बात करें गृह नीति मोस्ट इंपोर्टेंट है, कह सकते हैं मुसोलिनी की गृह नीति के बारे में आपसे पूछता है, इसको भी आप याद करके जाएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, एक बार आप पढ़ के चले जाते हो ना तो वहां बना बना के करा, मतलब मेरा मतलब यह है कि क्वेश्चन को कोई भी छोड़ के नहीं आना है, कोई भी क्वेश्चन मतलब आपसे गलती से भी आ जाता है ना, मतलब जैसे कहते हैं ना गलती से भी टाइमर वो आपको दे देता है पेपर, तो आपको डरना नहीं है, वहां आपको अपने साहस दिखाना है, ठीक है ना, जो आपके अंदर जो साहस है वो दिखाना है, मतलब जो शक्ति है, जो आप एनर्जी है वो वहां वेस्ट कर देना है, ठीक है, पूरी मतलब उस क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, उसको जिस तरीके से बना रहे हैं उस तरीके से आपको बनाना है। देखो रूस का यहाँ बोला गया 1700, जो मैंने अभी अभी ऊपर आपको ये क्वेश्चन बताया था इसका कारण क्या था, रूस की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, 1917 वाली ऊपर बता रखा है, इस क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या है फांसीवाद पर आलोचनात्मक आपको टिप्पणी बताना है, जो फांसीवाद क्या होता है, उसके बाद तीन यहाँ कह रहा है तीन सम्राटों का संघ, तीन सम्राटों के कौन कौन से संघ थे, उस संघ पर टिप्पणी लिखिए, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। रूस और जापान के युद्ध का कारण क्या था, जब रूस और जापान में युद्ध हुआ था वो किस कारण से हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। और यहां करें इटली की औपचारिक नीतियों का वर्णन करना है, इटली की औपचारिक नीतियों के बारे में देख लेना है, राष्ट्रवाद के बारे में, राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ ये आप जानते ही हैं, ये तो सभी लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से। प्रथम बालकान युद्ध के कारण, प्रथम बालकान युद्ध का कारण क्या था, बालकान युद्ध का कारण क्या था, और कह सकते हैं सरोजवा का हत्याकांड के बारे में, देखो
ठीक है, सेरोजोवा का हत्याकांड कैसे हुआ था, उसके बाद स्पेन का गृह युद्ध के बारे में, स्पेन में जो गृह गृह मतलब स्पेन का मतलब होता है गृह युद्ध, का मतलब होता है कि जो घर घर मतलब जो स्पेन एक देश है उसके अंदर अंदर ही जो क्या हुआ गृह युद्ध हो रहा है, वो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, गणतंत्र सरकार के दो महत्वपूर्ण कार्य की बताना, जब गणतंत्र सरकार होती है उसके कोई दो कार्यों के बारे में पढ़ लेना, और उसके बाद में बस आपको कुछ खास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई, क्या हुआ था, उसमें आपको देख लेना है। ठीक है, और राष्ट्र संघ का उद्देश्य और सफलता, राष्ट्र संघ क्या होती है, उसका उद्देश्य क्या था, बस इतना पढ़ लेना, ज्यादा नहीं है। बस आपको इतने क्वेश्चन को आप पढ़ के चले जाते हो ना तो बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़ के जाइए। कोई भी इशू रहा है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और अपने दोस्तों को अभी व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे, जो आपका ग्रुप बना हुआ है, कॉलेज का ग्रुप बना हुआ है, उन पे आप शेयर कर दो फटाक से वीडियो को, और उनको भी यार बता दो कि पेपर हैकर आपको लेकर क्या क्या कर रहा है। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।